हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आकर्ष व्लॉग्स। आज के दिन की मेरी ये सेकंड रेसिपी होने वाली है मेरे इस चैनल पे। तो ये जो रेसिपी है ब्रोकली कैप्सिकम कड़ी की रेसिपी है और बहुत ही यूनिक रेसिपी है। अगर आपने इसको अभी तक ट्राई नहीं किया है तो मैं तो बोलूँगी कि आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिए, क्योंकि वैसे भी ब्रोकली अभी सीज़न में है और काफ़ी ज़्यादा आपको फ्रेश ब्रोकली जो है ना मार्केट में मिल जाएगा। ऐसे तो सुपरमार्केट्स में ब्रोकली मिलते रहता है, लेकिन उतना फ्रेश नहीं मिलता है जितना आपको इस सीज़न में मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आपने इस रेसिपी को ट्राई नहीं किया है तो इसे ज़रूर से ट्राई करिए, और अगर रेसिपी पसंद आए ना तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है। मैंने सोचा कि चलो मैं आज बना ही रही हूँ तो क्यों ना आपके साथ ये रेसिपी हम शेयर करें। और इसका जो ग्रेवी है ना, बड़ा क्रीमी सा ग्रेवी बन के रेडी होता है, बहुत ही क्रीमी सा, और बहुत ही इसका टेक्स्चर ही बहुत डिफरेंट रहता है। मतलब जो पनीर बटर मसाला का जो ग्रेवी का जो टेक्सचर होता है ना, इस ग्रेवी का ना बिल्कुल सेम टू सेम वही टेक्सचर रहता है। खाने में तो ऑफ कोर्स ये पनीर बटर मसाला जैसा बिल्कुल नहीं है, उससे बहुत ही डिफरेंट होता है, क्योंकि हमने इसमें ऐड किया है सेजवान सॉस। तो उस सॉस को ऐड करने के बाद ना इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट हो जाता है। साथ में मैंने इसमें केचप भी ऐड किया है, तो इसीलिए इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है पनीर बटर मसाला से। बट और स्पेशली ना हमने इसमें जो सब्जियां ऐड की हैं तो वो तो पनीर बटर मसाले में ऑफकोर्स नहीं पड़ती है। तो ये इसीलिए इसका टेक्सचर, टेस्ट, एवरीथिंग बहुत डिफरेंट रहता है। तो अगर अभी तक आपने इसको नहीं बनाया है ना, तो मैं तो बोलूँगी कि आप ये रेसिपी एक बार एटलीस्ट अपनी किचन में आप ज़रूर ट्राई करिए और अपनी फैमिली के साथ आप ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए मेरी रेसिपी को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने के पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक करें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो ब्रोकली लिया है, छोटे साइज़ के ब्रोकली थे, मैंने उनको कट कर लिया है इस तरह से। और यहाँ पे कैप्सिकम को मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में कट किया है, और ये जो प्याज है मैंने इसको सिर्फ चार टुकड़ों में मैंने कट कर लिया है। अच्छा, और इधर मैंने लिया है प्याज, बड़े बड़े टुकड़ों में कटे हुए प्याज थे, टमाटर हैं, और थोड़ा सा लहसुन है, थोड़ा सा अदरक है, हरी मिर्च है, 1 टीस्पून साबुत गर्म मसाला है, और 2 टेबलस्पून यहाँ पे मगज लिया है मैंने। और इसको अच्छे से भुन लिया है पहले, और भुनने के बाद इस तरह का कुछ पेस्ट हमने बना के, ठंडा होने के बाद हमने इस तरह से पेस्ट बना के, हल्का सा पानी ऐड किया था मैंने, और इस तरह का ना एक अच्छा सा बढ़िया सा पेस्ट बना के हमने रख दिया है। अब इधर मैंने ब्रोकली को हल्का सा गर्म पानी काफ़ी अच्छे से मैंने गर्म पानी कर लिया था, और उसमें मैंने ब्रोकली डाल के कुछ देर के लिए छोड़ दिया है। तो ब्रोकली आप देखो उसका कलर भी काफ़ी अच्छा सा चेंज हो गया है। अब इधर हमने कढ़ाई में रिफाइन ऑयल ले लिया है 2 टेबलस्पून, और हमारा जो ब्रोकली, कैप्सिकम और जो हमारे प्याज कटे हुए थे वो तीनों मैंने एक साथ यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। अच्छा, प्याज मैंने यहाँ पे काफ़ी अच्छे बड़े टुकड़ों में मैंने कट किया हुआ है, क्योंकि प्याज की जो ये ना ऑटोमेटिकली जब ये फ्राई होते जाएगा तो ये खुल जाएगा, तो इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसका नहीं, इस सब्ज़ी में ना, इस रेसिपी में हम लोग इसी तरह से प्याज ऐड करते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा नमक भी ऐड किया है, और प्याज जैसे जैसे आप देखो जैसे जैसे भुनाते जाएगा ना, वो अपने आप उसकी जो फ्लोरेट्स हैं वो अपने आप खुलते जाएंगे। तो इसलिए ये प्याज पूरा लास्ट में, जैसे हम लोग चिली में खाते हैं ना प्याज जिस तरह से रहता है, इसमें वैसे ही रहता है। अभी मैं थोड़ी देर बाद यहाँ पर मैंने कैप्सिकम भी ऐड कर दिया था, और कैप्सिकम भी मैंने काफ़ी बड़े टुकड़ों में मैंने काट लिए हैं। और इसके बाद हम लोग इन तीनों सब्जियों को ना अच्छे से फ्राई कर लेंगे, और फ्राई करके फिर हम लोग निकाल लेंगे। फ्राई होने के बाद सब्जियों की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन इतना ही चाहिए मुझे, तो इसी मैंने उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर बनाया है। और काफ़ी अच्छे से देखो आप यहाँ पर प्याज का कलर भी चेंज होने लगा है, और उसकी फ्लोरेट्स भी जो है ना वो भी खुलने लगी हैं। तो मुझे बस यही चाहिए एग्जैक्टली, थोड़ा सा और फ्राई करके हम लोग इसी ऑयल में, फिर थोड़ा सा ऑयल बचता है उसी ऑयल में जो हमने पेस्ट बना के रखा है ना, हम लोग वो ऐड कर लेंगे और उसको अच्छे से भुनेंगे। तो अभी इसको मैं निकाल लूँगी, क्योंकि यहाँ पे ये रेडी हो चुका है, और बाकी जो ये उबलेगा ये नॉर्मल जो मसालों के साथ ये पकेगा फिर। तो यहाँ पर मैंने वो पेस्ट डाल दिया था, और उसमें मैंने पानी भी ऐड किया है, और पानी के साथ हम लोग इसको थोड़ा सा चला लेंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगी हमारा स्पेशल इंग्रेडिएंट यानी कि सेजवान सॉस। यहाँ मैंने सेजवान सॉस ऐड कर दिया है, और साथ में आप देखो थोड़ा ऑयली सा दिख रहा है, क्योंकि वो उसमें थोड़ा सा ऑयल रहता है सेजवान सॉस में। और साथ में मैंने केचप भी ऐड किया था 1 टेबल स्पून, और उसको ऐड करने के बाद हमने अच्छे से चलाया, और फिर जो सब्जियां हमने फ्राई करके अलग से निकाल ली थी, हम वो सब्जियां जो है हम यहाँ पे इसमें ऐड कर देंगे।
और यहाँ पे सब्जियों के साथ साथ मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड किया है ताकि जो सब्ज़ी है वो अच्छे से, जो कच्ची है वो अच्छे से पक जाए। तो इस पॉइंट पे मैं पानी ऐड करूँगी यहाँ पे, और पानी ऐड करने के बाद हम लोग इसको ऐसे ही, ढकना नहीं है, लिड क्लोज़ नहीं करना, ऐसे ही छोड़ देना है। ये अपने आप तेज़ आँच पे ही पानी जैसे जैसे ड्राई होता जाएगा ना, थोड़ा बहुत जो कसर रह गया है सब्ज़ियों में, कच्चापन रह गया है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए मैंने पानी भी ऐड कर दिया है, मुझे जितनी पानी चाहिए थी मैंने उतना ऐड कर दिया है। पानी मैंने सिर्फ सब्जियों के पकने के लिए मैंने ऐड किया है, और वो मसालों के साथ अपने आप पकते जाएगा और पानी जैसे जैसे ड्राई होते जाएगा, पानी में उबाल आ चुका है तो पानी जैसे जैसे ड्राई होते जाएगा, ये आप देखो सब्ज़ी का जो मेरा कलर है वो भी चेंज होने लगा है। अभी तक ये वाइट दिख रहा था, हमने इसमें कोई हल्दी ऐड नहीं करा, अभी तक ये वाइट दिख रहा था बट अब इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। बस इतना ही करना था हमें, और उसके बाद मेरी जो सब्ज़ी है ब्रोकली कैप्सिकम कड़ी है वो बिल्कुल रेडी है। पानी जैसे ड्राई हो गया ये सर्व करने के लिए मैंने निकाल लिया, और नमक वगैरह जो है आपको टेस्ट कर लेना है अगर आप टेस्ट करना चाहते हो, वरना अगर आपको भरोसा है कि आपने सही से डाला है तब वेल एंड गुड, तब तो आपको टेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो कुछ इस तरह का लुक आता है, बड़ा ही यूनिक सा ये डिश है। तो मैं तो बोलूँगी इसको आप ज़रूर बनाइए, और रोटियों के साथ ना आप इसको इन्जॉय करिए, बड़ी ही अच्छी रेसिपी है। आपके बच्चों और आपके फैमिली के लिए ये जो ब्रोकली है ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो ब्रोकली आप इस तरह से ना थोड़ा बदल बदल के आप इस तरह की रेसिपीज़ बनाकर आप अपने बच्चों को दे सकते हो। तो इस तरह की रेसिपी जो है आपने देखा ये बहुत ही अलग तरीके से बनती है। आप इसमें चाहो, मैंने इसमें काजू का पेस्ट ऐड नहीं किया था, आप अगर चाहो तो आप वो भी ऐड कर सकते हो और उसको और थोड़ा हेल्दी बना सकते हैं। तो हमने तो इस तरीके से बनाया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप अपने घर पर इसको ज़रूर से ट्राई करिए, और अपने बच्चों अपने फैमिली के साथ आप इस रेसिपी को इंजॉय करिए। ये बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होती है। और बस अगर आपको पसंद आया हो मेरा वीडियो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, एंड चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।